एवरीवन, मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ और जिस टॉपिक के ऊपर आज मैं वास्तु के ऊपर डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत से लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है हिडन टैलेंट्स। और हिडन टैलेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि हर किसी में कोई ना कोई हिडन टैलेंट जरूर होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो टैलेंट हमको पता होता है, लोगों को पता नहीं होता। कई बार लोगों को पता होता है, हमें नहीं पता होता, लेकिन होता सबके अंदर है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम फील कर रहे होते हैं, ये चीज़ तो मुझे आती है लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे एक्सप्लोर करूँ रियल लाइफ के अंदर, या मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती कि मैं इस अपने टैलेंट को कुछ इससे कुछ फाइनेंशियल गेन्स या कुछ और लाइफ के अंदर इसमें कुछ बढ़ोतरी कर पाऊँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें लोग बाग अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे होते हैं। अब मैं इस बात को कनेक्ट करूँगी वास्तु से, क्योंकि वास्तु के अंदर जितने भी डायरेक्शंस हैं उनके जो भी एट्रीब्यूट्स, उनके जो भी इफेक्ट्स, उनके गुण और धर्म वो हैं फिक्स, वो बदलते नहीं हैं। अगर सूरज नॉर्थ ईस्ट से उगना है तो वो वहीं से उसका राइज होगा, और उसके जो भी सिम्टम्स हैं, जो भी क्वालिटीज़ हैं, हम सब नॉर्थ ईस्ट से ही देखेंगे। वो बदलेगा नहीं, वो साउथ ईस्ट में नहीं पहुंच जाएगा या वो साउथ वेस्ट में नहीं चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो फिक्स होते हैं वहाँ की एनर्जीज़ की जो भी क्वालिटीज़ हैं। तो आज जिस डायरेक्शन की क्वालिटीज़ के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो मेनली आपके जो भी लाइफ में हिडन टैलेंट्स, जो छुपी हुई चीज़ें हैं, उसको ऊपर लेकर आती है। तो ये जो डायरेक्शन है ये है ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। और ईस्ट डायरेक्शन से ही हमें लाइफ के अंदर प्रॉपर लाइट मिलती है, प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। अगर ईस्ट डिस्टर्ब होता है तो आपके लाइफ में डार्कनेस बनी रहती है, आपको प्रॉपर चीज़ें अपनी दिखाई और समझ में नहीं आती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंफ्यूजन हमेशा लाइफ में चलता रहता है। आपके वो टैलेंट्स जो हैं वो अंदर डार्कनेस में ही आते हैं और डार्कनेस में ही लाइफ से चले भी जाते हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा होता है। और कई बार आप ये सोच रहे होते हैं, अपने ही बारे में नेगेटिव सोच रहे होते हैं कि ये काम मैं नहीं कर सकता, ये चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगी, लोग बाग मुझे इस चीज़ के लिए कोई भी मुझे इसके लिए अप्रिशिएशन नहीं मिलता है या नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे सेल्फ डाउट क्रिएट करती है जब आपके घर की या आपके ऑफिस की ईस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब होती है। वैसे ईस्ट डायरेक्शन के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, इफेक्ट्स हैं। ईस्ट से ही आपका एडमिनिस्ट्रेशन पावर आता है, ईस्ट से ही आपकी पर्सनैलिटी कितनी डोमिनेंट है वो पता चलता है, ईस्ट डायरेक्शन आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है, ईस्ट डायरेक्शन आपको फैलाती है एक सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी में लोगों से कनेक्ट करती है। बहुत सारे लोग सोशल होते हैं लेकिन उस सोशल चीज़ों का उनको कभी कोई गेन नहीं मिलता और उनको डे टू डे लाइफ में पता भी नहीं चल रहा होता है कि उनकी जो टाइम है वो एक तरीके से वेस्ट हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम ईस्ट डायरेक्शन से देखते हैं। लेकिन जो मैंने पहले वर्ड यूज़ किया था हिडन टैलेंट, जो अंदर छुपी हुई चीज़ें हैं वो बाहर कैसे आएगी, वो सब ईस्ट डायरेक्शन आपको देती है। तो ईस्ट डायरेक्शन का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे कोई भी तरीके के वास्तु दोष, वास्तु डिफेक्ट, वहाँ का कोई भी एनर्जी इम्बैलेंस होना आपके ये सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वास्तु दोष कैसे होते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में अगर प्रॉपर लाइट नहीं है तो ईस्ट डायरेक्शन में बहुत बैड स्मेल आती है, ईस्ट डायरेक्शन की वॉल आपकी ब्रोकन है, वहाँ पे क्रैक्स हैं, वहाँ पर वो जो फ्लोर है वो ऊपर नीचे है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे बहुत पुराने या लंबे समय से कोई स्टोरेज बना हुआ है, वहाँ पे बहुत सारा ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड आइटम, जंक स्टोरेज ये सब है। तो आपकी ईस्ट डायरेक्शन धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होगी और उसके इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पर भी पूरी तरीके से आएंगे। आप अपनी टैलेंट को बाहर की दुनिया में फैला नहीं पाएंगे। तो इसका छोटा सा इस वीडियो में आपको मैं रेमेडी बता रही हूँ कि आप ईस्ट डायरेक्शन को पहले तो पूरी तरीके से क्लीन करिए। वहाँ पे कोई भी डिस्टरबेंस, कोई भी एनर्जी इम्बैलेंसेस वहाँ पे नहीं होने चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर लाइट आनी चाहिए, प्रॉपर एयर का फ्लो होना चाहिए। ऑटोमेटिकली धीरे 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 आपको अपने टैलेंट्स के बारे में आपको पता चलने लगेगा,
आपका फियर खत्म होगा और सबसे बड़ी बात आपकी लाइफ में एक लाइट आएगी, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन के जो देवता हैं वो सूर्य देवता हैं और सूर्य का काम ही एक है रोशनी देना। अगर रोशनी लाइफ से चली जाएगी तो डार्कनेस रहेगी। तो ईस्ट डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है अगर आपको अपना फैलाव करना है, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है और लोग आपसे इन्फ्लुएंस हुए, ऐसी अगर आपको चीजें क्रिएट करनी है तो वो इस डायरेक्शन ही देता है। थैंक यू सो मच।